तो आज हम एक न्यू प्रोग्राम देखेंगे जिसमें क्या कर रहे हैं कि राइट ए प्रोग्राम इंटर द नंबर, ठीक है, एंड चेक द नंबर इज इवन और ओड। आपको क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें कोई भी नंबर अगर हम डालते हैं, इनपुट करते हैं, तो हमको दिखाना चाहिए कि ये नंबर इवन है या ओड है। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, चलिए इसके लिए देख लेते हैं हम कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉक्स प्रो ओपन करते हैं, यहाँ पे उस प्रोग्राम का नेम जो है सेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मोदी COMM और जैसे मान लीजिए कि हमारा प्रोग्राम आई नंबर है, तो आई नंबर से यहाँ पे सेव कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका इंटरफेस लिखेंगे, सेट टॉल्क ऑफ, उसके बाद में आपको क्या करना है, क्लियर का यहाँ पे मैसेज देना है, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा जब प्रोग्राम रन करे उसके बाद में जो हो स्क्रीन क्या हो, क्लियर हो, दोबारा वाला प्रोग्राम रन कराना चाहिए था, इसके लिए हम क्लियर लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कैसे, इनपुट, क्योंकि हमको इनपुट करना है कोई भी एक नंबर, तो डबल कोटेशन में हम लिख सकते हैं इंटर एनी नंबर, ठीक है, इंटर एनी नंबर, या लिख सकते हैं इंटर द नंबर, क्योंकि ये डबल कोटेशन में हम कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिखिएगा तो ये जो है वही मतलब प्रिंट करेगा, इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ हम यहाँ पे क्या डालेंगे, बस डबल कोटेशन में होना चाहिए इंटर एनी नंबर। यहाँ पे डबल कोटेशन जैसे ही क्लोज करेंगे, ये यहाँ से स्पेस दे देते हैं, डबल कोटेशन क्लोज मतलब क्लोज कर देंगे, तो देखिए हम बता देते हैं इसके बीच में आप कुछ भी इनपुट कीजिएगा वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, वही चीज आपको शो करेगा। तो टू क्या लिखते हैं, नंबर के लिए एन लेते हैं, उसके बाद में क्या करना है आपको बताए थे, इफ फॉर्मूला में इफ लगाएंगे और उस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो कंडीशन क्या है कि हमारा जो मतलब लिए हुए हैं, जैसे एन लिए हैं नंबर के लिए वैल्यू बनाए हैं, तो एन लेते हैं, और यहाँ पे जो है बताए थे कि इवन का मतलब क्या होता है, जिस संख्या में मतलब दो से मतलब डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो वो हमारे क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, और जो दो से डिवाइड नहीं होता है वो विषम होता है। तो डिवाइड के यहाँ पे नहीं लगाते हैं, डिवाइड के लिए हम परसेंटेज लेते हैं, यहाँ पे परसेंट लेंगे और टू दे देंगे, इक्वल देंगे जीरो, यानी कि दो से हम अगर डिवाइड करें तो उसका रिजल्ट जीरो आएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा इवन होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डबल कोटेशन में क्या चाहिए, इवन नंबर, इवन नंबर, इसको क्लोज करते हैं। फिर यहाँ से ई एल्स लगाएंगे कि अगर ये नहीं आता है तो क्या मैसेज आना चाहिए, तो यहाँ पे जो है डबल कोटेशन में हम लिखेंगे और नंबर, यह हमारा हो गया और नंबर, डबल कोटेशन क्लोज कीजिए और यहां से इंड इफ लगा के प्रोग्राम को क्लोज कीजिए, ठीक है, और इसको सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ में डब्लू प्रेस कीजिए। यहाँ पे जो है रन कराने के लिए लिखेंगे डू आई, यानी कि आई के नाम से हमारा सेव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि इंटर एनी नंबर, यानी कि जो हमने वहां पे दिया हुआ था, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 11 डालते हैं, तो क्या कर रहे हैं, और नंबर, क्योंकि ये हमारा एक और नंबर है। फिर प्रोग्राम को अगर रन कराना हो तो फिर यहाँ से डू पर क्या करेंगे, फिर से प्रोग्राम को शो कराएंगे और यहाँ से कोई भी डिजिट जो है नंबर डाल देंगे, जैसे 20 डालते हैं, क्या करा है, इवन नंबर। तो इस तरह हम इस प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपके लिए एक जो है और प्रोग्राम दे देते हैं, इसे आप खुद से लिखिए, उसके बाद में फिर से मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाऊंगा। इसमें क्या कर रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू इंटर द एज एंड चेक द वोटिंग इज वैलिड और नॉन वैलिड। जानते हैं कि हम वोटिंग देने का एज होता है मतलब 18 साल होता है, तो आपको चेक करना है कि मतलब अगर जो है कोई पर्सन का अगर एज डालते हैं तो वोटिंग के लिए जो है मतलब वैलिड है या नहीं है।